नमस्ते एंड वेलकम टू क्रिएटिव एंगल्स ऑफ लाइफ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारे घर के सबसे पॉजिटिव कॉर्नर की। जी हाँ, हमारे घर के मंदिर की। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इस मंदिर को अपने घर में सेटअप किया है, कैसे मैं इसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ। साथ ही साथ मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु और इंटीरियर टिप्स भी शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम सब अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग माहौल में, परिवेश में बड़े हुए होते हैं, तो हम अलग रूल्स भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ मैंने जो भी कुछ दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही सही है। बस आप इस वीडियो से कुछ आइडिया लेकर के अपने हिसाब से अपने घर के मंदिर को सजा सकते हैं, उसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वास्तु के हिसाब से जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है टेंपल के लिए, मंदिर के लिए, तो वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा आप ईस्ट, नॉर्थ, इवन वेस्ट भी परमिसेबल है, आप वहाँ भी लगा सकते हैं, पर आप साउथ डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना है। तो जब भी आप अपने टेंपल को लगाएं तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में प्रेफरेंस दें। तो हमारे घर का ये कमरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, और हमने जो टेंपल रखा है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखा है। तो जब भी कभी आप अपने घर का इंटीरियर करा रहे हों, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके घर में आपको टेंपल को किस डायरेक्शन में सेटअप करना है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्री हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ही प्रेफरेंस दें। हमने यहाँ पर हमारे टेम्पल को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है, और जब हम पूजा करते हैं तो हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन में होता है। साथ ही यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डलाया है इंटीरियर कराने से पहले ही, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें लाइटिंग पर्पज़ के लिए। तो ये है हमारे घर का मंदिर। वैसे मंदिर को कोई सजाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस भगवान जी की मूर्ति रख दो, जहाँ भी रख दो वही जगह मंदिर बन जाता है। तो हमने यहाँ पर सारे भगवान जी की तस्वीरें, मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हैं। आप जो सामने में ये मार्बल की चौकी देख रहे हैं, ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसके अलावा जो भी मार्बल पीसेस है वो हमें इस टेम्पल के साथ में ही मिला था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक एक्स्ट्रा ड्रॉअर बनवाया है यहाँ पर, उस ड्रॉअर में मैंने एक लाइनर लगाया है, ताकि अगर कुछ गिरे तो उसे क्लीन करना ईजी हो जाए। इस ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीका फॉलो किया है, मैंने हर चीज़ को उसकी जगह दी है। पीछे मैंने रखा है पूजा की कुछ किताबें, और इस बास्केट में मैंने रखा है डस्टिंग के लिए कपड़ा, पूजा में यूज़ आने के लिए रुई, जो दिया अगरबाती बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है, घी, एक स्पून मैंने यहाँ पे रखा है घी को निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चार बास्केट को यूज़ किया है। पीछे मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, जो भगवान जी को मैं जिस बिछा के जिसके ऊपर भगवान जी को रखती हूँ। मैं दिए मिट्टी के भी दिए यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसको भी एक सेपरेट बास्केट में रखा है। पूजा के कुछ बर्तन हैं, और साथ में यहाँ पे छोटे छोटे डब्बों में जो रेगुलर यूज़ में पूजा की सामानें आती हैं, मैं उसको रखती हूँ। गंगा जल, कुछ अगरबत्तियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं रखती हूँ एक सीज़र और एक नाइफ़ हमेशा, ताकि अगर पूजा करते वक्त मुझे कुछ ज़रूरत हो, कुछ कट करना हो, तो मुझे भाग के किचन ना जाना पड़े, और मैं इसे बस पूजा के लिए ही मेंटेन कर सकूँ। तो इस ड्रॉअर को मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ऑर्गेनाइज किया है, बास्केट का यूज़ किया है, और हर चीज़ को उसकी जगह दी है बस। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका यूज़ किया है हमारे घर के इस मंदिर को अरेंज करने का, उसे ऑर्गेनाइज रखने का। बहुत ही बेसिक रूल है, हर चीज़ को उसकी जगह दी है, और कोशिश करती हूँ कि मैं इसे ऐसे ही मेंटेन कर सकूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस मंदिर के टेम्पल के साथ में मुझे एक और ड्रॉअर भी मिला है जो उसे अटैच है, पर वो काफ़ी नैरो है, तो मैं उसे डे टू डे लाइफ में ईज़िली यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसे, जो भी एक्स्ट्रा सामान मेरे पास रहता है, पूजा का सामान रहता है जो कि बड़ी पूजा में यूज़ होती है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ।
पीछे जैसे मैंने गंगा जल रखा हुआ है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पूजा के जो भी सामान है वो रखा है मैंने यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं, और ये आगे का जगह मैं इजीली एक्सेस कर पाती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने ये पूजा के बर्तन रखे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है जैसे प्लेट्स वगैरह, तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ करती हूँ। तो ये था हमारे घर का मंदिर, और मैं ऐसे ही इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। होपफुली आपको भी ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा हो, अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।